Good morning students, good morning everyone. This is Dr. Anurag Singh. I welcome you on board to the present session of daily Current Affairs Express on India's largest online learning platform that is Unacademy. So, Unacademy ke YouTube channel Let's Crack UPSC CSE. We are just going to see the current affairs of 27th January published in various newspapers across the country and how are they relevant from UPSC point of view.

एंड आप देखिए प्लान्स देखिए आईकनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन के द प्लान्स ऑफ वन टू थ्री इंड वन टू यूज रेफरल कोड अनुराग एंड गेट टेन परसेंट ऑफ ऑन दीज प्लान गेट सिक्स मंथ फ्री एक्सटेंशन और सत्ताईस जनवरी से आज से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं ये देखिए और साथ में सब्सक्रिप्शन के साथ में ट्वेंटी जी बुक्स अनएकेडमी तरफ से आपको दिया जाएगा शिपिंग हो जाएगा आपके घर के एड्रेस पे दिस इस इज इस इसमें प्रोफाइल लिंक अनुराग आई एम सर्च कीजिए फॉलो कीजिए अन अकेडमी ऐप पर साढ़े सात बजे शाम को तो डेली लाइव हम आते ही हैं सेवन थर्टी या सेवन फोर्टी फाइव पर आज दोपहर में दो बजे के आसपास भी क्लास है टू थर्टी पी पर क्लास है आज जरूर देखिएगा ड्रेनेज कल हम लोगों ने शुरू किया इंडियन जोग्राफी में आई होप ड्रेनेज आपने डे वॉज द फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रेनेज ऑफ इंडिया हम लोग रिवर्स देख रहे हैं कल हम लोगों ने रिवर्स इनलैंड ड्रेनेज की देखी कोस्टल प्लेन्स की रिवर्स देखी आई होप द सेशन वॉज इंटरेस्टिंग यस्टर्डे टुडे टू थर्टी पी एम द सेशन विल कंटिन्यू जस्ट जस्ट इट्स अ फ्री स्पेशल क्लास एंड फॉलो मी आउट देर अपॉन द स्पेशल क्लासेज ये देखिए तो 27 जनवरी हर न्यूज़ को हम लोग दो अप्रोच से देखते हैं डी कोड इंटरलिंग अप्रोच एंड 360 डिग्री अप्रोच जैसा कि आपको पता है डी कोड इंटरलिंग अप्रोच मेंस के लिए बहुत रिलेवेंट अप्रोच है न्यूज़ को डी कोड करना इंटरलिंग करना सिलेबस के वेरियस पार्ट से और 20 वर्ड्स निकालना 10 वर्ड्स निकालना टू डू एज वैल्यू एडिशन इन आंसर राइटिंग टू गेट एक्स्ट्रा प्लस वन प्लस टू मार्क्स ये देखिए

बहुत टफ टॉपिक है एंड आई एम पुटिंग इन ऑल माई एफर्ट्स टू थ्री टू फोर आवर्स का एक्सट्रैक्शन एंड नोट्स का तब जाके आपको मिल रहा है क्लास प्लीज दैट इज अ गोल्डन क्लास डोन्ट फॉरगेट टू अटेंड इट ठीक है तो लेट्स बिगिन सबसे पहले 26 जनवरी का न्यूज सिनोसिस देखते हैं क्या है न्यूजिस 26 जनवरी का एंड ट्वेंटी जैन का न्यूजिस एक ओवरव्यू देखते हैं आज उसी पे कुछ एक दो न्यूज और अटैच होकर आए हैं

कमिटी पद्म अवार्ड पद्म अवार्ड के लिए कमिटी कौन सी बनती है एंड इज द कंसेंट ऑफ द पर्सन टेकन बिफोर गिविंग द पर्सन द अवार्ड वी आर गोइंग टू सीट लेकिन पद्म अवार्ड शुरू कब से किया गया भारत रत्न अवार्ड शुरू कब से किया गया दोनों में फर्क क्या है जरूर से देख लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट सेकंड न्यूज का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट इंडिया का रैंक 85 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 40 इज द स्कोर आउट ऑफ 100 फॉर इंडिया इंडियाज रैंक इज एटी फाइव इन द वर्ल्ड इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रैंक वन जिसका है वो क्लीनेस्ट कंट्री है इंडिया एटी फिफ्थ कंट्री यू कैन इमेजिन ठीक है आउट ऑफ वन एटी कंट्रीज तो करप्शन को लेकर ये न्यूज और करप्शन में आप ये न्यूज जरूर अटैच कीजिएगा ठीक है मीनस के लिए इंपॉर्टेंट में वैसे आएगा नहीं बट प्रम्स के लिए यू जस्ट प्रिपेयर दैट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई एंड ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर जीसीबी इज प्रिपेयर बाई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये देखिए

रेगुलेटिंग द पोलिटिकल पार्टीज दिस इज अफेक्टिंग द्री एंड फेयर इलेक्शनगामन मैन तो ये पॉलिटी इसमें पहला पदमा वर्ड प्रस के लिए इम्पोर्टेंट जबकि रिमेनिंग टू तो मेन्स के लिए इम्पोर्टेंट ठीक है नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी विफ्टर दिस इन इंटरनेशनल रिलेशन वेस्ट वर्सेज रशिया कोई नया न्यूज नहीं नया मिलिट्री एक्सरसाइज रशिया ने और लॉन्च किया ये न्यूज चलता रहेगा हमें चलाते रहना इस न्यूज को ठीक है एंड बस नेटो रेडी कर लीजिएगा इस बार के लिए नेक्स्ट इंडियन इकोनॉमी में वी टू सी इंडियन इकोनॉमी में कोई न्यूज नहीं था लेकिन इंडियन इकोनॉमी वर्सेज एनवायरमेंट में न्यूज था ग्रेट निकोबार ग्रेट निकोबार प्लान ऑफ नीति आयोग उसमें ईआईए में कुछ प्रॉब्लम्स आई है ग्रेट निकोबार एक अम्ब्रेला टॉपिक प्रिलिम्स के लिए भी मैंने कल अटैच किया था कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व अबाउट फ्लोरा फोना एंड अबाउट द ट्राइब्स एंड ई आई ए में इसे वैल्यू एडिशन के रूप में यहां से ट्वेंटी वर्ड्स निकालिएगा एंड देन वी वेंट नॉट टू सी स्टूडेंट्स आफ्टर दिस ओरल कैंसर ओरल कैविटी कैंसर ओरल कैविटी कैंसर डिटेक्ट करने के लिए एक नया कैमरा आया है ठीक है इट्स पोर्टेबल कैमरा ठीक है इंफ्रा रेड इट यूजेस ये इट्स अ ब्लड परफ्यूजन इमेजर नाम है इसका ब्लड परफ्यूजन इमेजर एंड इट्स इट्स अ लो कॉस्ट हैंड हेल्ड इमेजिंग डिवाइस एंड इट यूजेस इट इट यूजेस द इंफ्रा रेड रेडिएशन फॉर द पर्पज ऑफ कैप्चरिंग इमेजेस ब्लड का सप्लाई कैप्चर करता है इन शॉर्ट कैंसर के डायग्नोसिस uh, में बहुत ज्यादा फायदेमंद बायोप्सी नहीं करना पड़ेगा कोई मैटर निकालना नहीं पड़ेगा नॉन इन्वेजिव थेरेपी है नॉन इन्वेजिव ये वर्ड याद रखिए एंड देन वी वेंट ऑन टू दिस फिनिश ऑफ विद जेम्स वेब टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैंने बताया था हबल स्पेस टेलीस्कोप से कैसे आगे प्रेलम्स का ये टॉपिक है आई हैड टॉट दिस इन दिसंबर लास्ट वीक व्हेन द जेम्स वेब टेलीस्कोप वाज लॉन्च्ड तो चलिए आगे बढ़ते हैं सत्ताईस जनवरी सत्ताइस जनवरी को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंशंट एंड मिडिवल हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर में कोई न्यूज़ नहीं है ये देख सकते हैं आप इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज कोई न्यूज नहीं है खास जी पेपर टू एंड थ्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी एंड गवर्नेंस इंटरनल सिक्योरिटी यहाँ से न्यूज है आइए देखते हैं क्या न्यूज है हाउ पदमा अवार्ड्स आर गिवन ये इंडियन एक्सप्रेस का आज का इन्फॉर्मेशन मैंने कल जो पढ़ाया था दैट आई टू किट माई सेल्फ फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पदमा अवार्ड्स एंड भारत रत्न अवार्ड्स आज इंडियन एक्सप्रेस ने वही चीज एक्सप्लेन पेज पर पे डाला similar, is, हमें एक्स्ट्रा देखना है पदमा अवार्ड लेट सी कल उन्होंने पदमा अवार्ड्स के लिए पदमा कमिटी बनाई जाती है प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर वो फॉर्म करते हैं तो हु इज द दैट कमिटी लेट सी हुक्ट दूस ऑल नॉमिनेशन रिसीव फॉर पदमा अवार्ड बिफोर द पदमा अवॉर्ड्स कमिटीज्यूटेड बाई द प्राइम मिनिस्टर एवरी इयर द पदमा अवॉर्ड्स कमिटी इज हेडेड बाई कैबिनेट सेक्रेटरी एंड इंक्लूड्स होम सेक्रेटरी सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट एंड फोर टू सिक्स एमिनेंट पर्सन एज में याद कर लीजिए कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं पदमा कमिटी को पदमा अवार्डीज को द रिकमेंडेशन ऑफ दी आर सबमिटेड टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेडेंट ऑफ इंडिया फॉर अप्रूवल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रेलम्स इन्फॉर्मेशन ये देखिए

जो जिसको जो रिसीव कर रहा है पदमा अवॉर्ड जिसे मिलने वाला क्या उससे पूछा जाता है क्या इज द पर्सन आस्क्ड बिफोर गिविंग द अवॉर्ड आया हुआ इस बार भी दिस पर्सन हैज रिफ्यूज टू टेक अप द ठीक है लेट सी क्या ये रिसिपियंट कंसेंट इज शॉर्ट और नॉट देर इज नो प्रोविजन फॉर सीकिंग अ रिटर्न और फॉर्मल कंसेंट ऑफ द रिसिपियट बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ द अवॉर्ड However, before the announcement, every recipient receives a call, a phone call from the Ministry of Home Affairs, informing him or her about the selection. Ministry of Home Affairs calls, remember this. In case the recipient expresses a desire to be excluded from the award list, the name is removed, sources said. Ye dekhi. In case In the case of Buddha Dev Bhattacharjee, Ministry of Home Affairs, sources said, a call was made to his residence on Tuesday morning. However, since he was unwell, his wife picked up the कॉल एंड शी वॉज इन्फॉर्मड अबाउट द कन्फर्मेंट ऑफ द अवार्ड एंड उन्होंने रिफ्यूज किया बाद में मीडिया रिपोर्ट्स आई थी ठीक है तो इस चीज को ये दो चीजें कल के नोट्स में अटैच कर लीजिए कल का नोट्स था पदमा एंड भारत रत्न अवार्ड्स का उसमें अटैच कर लीजिए आज ये दो चीजें ठीक है टू थिंग्स to know today, ठीक nothing new. इसके अलावा कोई नया चीज नहीं है देखिए वही सेम चीज ठीक है द द द आर हाइएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया आफ्टर भारत रत्न दे अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन ईव ऑफ रिपब्लिक डे द अवार्ड्स आर गिवन इन थ्री कैटेगरी पद्म विभूषण पद्म भूषण एंड पद्मश्री यस्टरडे वी सॉ दिस ठीक है द अवार्ड्स आर गिवन इन सेलेक्ट कैटेगरीज व्हिच इंक्लूड आर्ट सोशल वर्क ये कैटेगरीज इंपॉर्टेंट नहीं है इतना याद रखिए कैबिनेट सेक्रेटरी के बाद होम सेक्रेटरी ठीक है और सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ये तीन लोग बैठते हैं उसमें और चार से छह मेंबर्स ठीक है और ये देखिए वन मोर वन मोर क्रूशियल पॉइंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा ठीक है द अवार्ड इज डू नॉट गेट एनी कैश रिवॉर्ड बट अ सर्टिफिकेट साइन बाय द प्रेसिडेंट अपार्ट फ्रॉम अ मेटालियन विच दे कैन वियर एट पब्लिक एंड गवर्नमेंट फंक्शन अवर्ड्स नॉट अ कंफर्मेंट ऑफ टाइटल एंड दर्ड इज आर एक्सपेक्टेड टू नॉट यूज एजिक्स टू द नेम यही तो केस गया था सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल एटीन को लेकर पढ़ लीजिएगाजी राघवन केस वर्सेज स्टेट ऑफ वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ठीक है बालाजी राघवन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस जिसमें आया था यह पॉइंट दैट द जुडिशरी टोल्ड दैट

फिर अपना नाम लिख रहे हैं या अपना नाम लिख रहे हैं फिर पद्मश्री लिख रहा है ये। रॉन्ग ये है तो इसका मतलब आप टाइटल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं गलत है तो बालाजी राघवन केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था दैट डोंट यूज देम एज सफिक्स और प्रिफिक्स इंडिविजुअल रिसीविंग दिस अवार्ड शुड नॉट यूज है

वर् आउट इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन पेज एक्सप्लेन पेज बहुत अच्छा आता है इंडियन एक्सप्रेस का ठीक है तीन चीजें आपने पढ़ी आज एक बालाजी राघवन केस आर्टिकल 18, एक हु के अबॉडीज एंड एक इज द कंसेंट रिसिपियॉर्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी के इसी जगह से आते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज से इसीलिए मैं इतना डिटेल पढ़ा रहा हूं इस टॉपिक को ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगला टॉपिक पॉलिटी का पॉलिटी नहीं इंटरनल सिक्योरिटी आप कह लीजिए इंडियन डायस्पोरा आप कह लीजिए दोनों जगह पर अटैच होगा रैम्प एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग फ्रॉम गुजरात इन द स्पॉटलाइट जो यूएस कैनेडा बाउंड्री पर एक परिवार एक परिवार डेड मिला ठीक है मृत परिवार मिला द फैमिली हैड डाइड बिकॉज ऑफ गोल्ड ठीक है दिस ऑन द यूएस कैनेडा बॉर्डर वर क्रॉसिंग द बॉर्डर फ्रॉम कैनेडा टू यूएसए इ लीगल क्रॉसिंग ऑफ बॉर्डर दिस पुट्स ए स्पॉटलाइट ऑन इन लीगल इमिग्रेशन अकरिंग फ्रॉम इंडिया टूवर्ड्स द वेस्टर्न कंट्रीज डू यू एग्री इन लीगल इमिग्रेशन ये देखिए प्रॉपर माइग्रेशन के लिए प्रॉपर एग्जामिनेशन है वीजा लेना पड़ता है प्रोसेस प्रोसीजर है प्रोसेस है लेकिन यहां पर इलीगल माइग्रेशन का क्लासिकल एग्जाम्पल डोंट यू थिंक यू कैन यूज दिस न्यूज ये देखिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक पार्ट है ये देखिए तो दिस इट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही ये पार्ट है स्टूडेंट्स और इसलिए मैं ये बोलूंगा इस न्यूज को अटैच कीजिएगा आप दो तीन जगहों पे ठीक है फर्स्ट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन डायस्पोरा डू यू एग्री इंडियन डायस्पोरा को बहुत सारी समस्याएं अभी उभर कर सामने आ रही है एक समस्या ये भी है इफ दे हैव गॉन देयर बाय इल्लीगल माइग्रेशन दे विल फेस न्यूमरस कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच आर प्रॉब्लमेटिक फॉर देम बिकॉज इल्लीगली उनके पेपर्स बनाए गए हैं दैट्स इट तो इंडियन डायस्परा की समस्याओं में ये पुट अप कीजिएगा एंड सेकेंड इफ एनी क्वेश्चन कम्स ओवर ह्यूमन ट्रैफिकिंग डोंट फॉरगेट टू मेंशन दिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग अक्रॉस द बॉर्डर इज हैपनिंग इन थ्रू इलीगल माइग्रेशन एंड एंड थर्ड वन स्टूडेंट्स ये देखिए इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या डज दिस पॉइंट आउट डज दिस पॉइंट आउट टू टूवर्ड्स दैट रिलेशन ऑफ कंट्रीज माइट बी इंपैटेड बिकॉज ऑफ दिस यस रिलेशन इंडिया यूएस एंड इंडिया कैनेडा रिलेशन देखिए इस पर वर्क करना पड़ेगा इस चीज पे नहीं तो ये इतना मैं बता दूं आपको अभी जस्ट दो साल पहले एक न्यूज आया था दिस टू और थ्री पीपल फ्रॉम पंजाब दे वर कॉट बाय द यूएस पुलिस ऑन द मैक्सिको बॉर्डर उनसे पूछा कि आप कैसे गए थे इतना ज्यादा पैसा था उन, उस परिवार के पास बट दे मीन्स दे वर्ल्ट टू गो टू यू एस ए बट यू एस जाना इतना आसान नहीं है यू नी टू हैव अ वर्क वीज़ा यू नी टू हैव अ स्टडी वीज़ा यू नीट टू हैव अ प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट विच दे वर नॉट हैविंग सो द जो ये ट्रा, जैफिकिंग में इन्वाल्व हैं ये लोग इन लोगों ने कहा कि इन लीगली हम आपको डाल देंगे यूएस बॉर्डरी के अंदर आप चलिए मेरे साथ दे took टू फर्स्ट टू मॉस्को मॉस्को से फिर इक्वेडर ले गए इक्वेडर में क्विटो कैपिटल है साउथ अमेरिका में वहाँ ले गए वहाँ से फिर कोलंबिया ले गए बोगोटा कैपिटल है फिर वहाँ से बाई रोड दे ब्रॉड देम टू सेंट्रल अमेरिका मैक्सिको और मैक्सिको में जस्ट बाउंड्री के बाउंड्री से चालीस किलोमीटर दूर उनको वॉकिंग के लिए कहा गया एंड देन दे वर कट ऑन द यू एस मैक्सिको बाउंड्री वायर क्रॉसिंग द बाउंड्री टुवर्ड्स यू एस ए इट्स नॉट एट ऑल मीनस ये रिकमेंडेड रहना भी नहीं चाहिए और इसको जल्दी से दीज केसेस शुड बी ब्रॉड डाउन बिकॉज दिस इज लीडिंग टू वर्ड्स प्रॉब्लम इन द ग्लोबल यू कैन से ग्लोबल रिलेशन अक्रॉस कंट्रीज डायस्पोरा का मतलब होता है भारतीय मूल के लोग जो बिखरे पड़े हैं विदेशों में दैट्स इट ठीक है इंडियन डायस्पोरा भारतीय मूल के लोग ठीक है सो लिंक दिस टॉपिक क्या कहा जाए ये ये बहुत दुखद समाचार ये इलीगल माइग्रेशन वाला ठीक है नेक्स्ट लेट्स मूव टूवर्ड्स एक जब डायस्पोरा की बात हो रही तो एक न्यूज आ जाए डायस्पोरा का ही देखते हैं डायस्पोरा का एक न्यूज है आज स्टूडेंट्स मैक्सिको के बारे में न्यूज है लेकिन उसमें इंडिया के बारे में भी कुछ दिया हुआ है देखते हैं क्या है टू मिनट्स जस्ट के मे टू मिनट्स यस मैक्सिकोज रेमिटेंसेस पास 50 बिलियन डॉलर्स सर्च ड्यूरिंग पैंडेमिकल एक्सप्रेस का न्यूज है ना वाई एम आई टेकिंग अप दिस टॉपिक मैक्सिको के बारे में जानना हमें जरूरी है नो नॉट इट ऑल इस पूरे पैराग्राफ में लास्ट का पैराग्राफ इस पूरे न्यूज में लास्ट का पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है यह देखिए लेट सी वॉट बिटवीन टू एंड टू द परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड इन मेक्सिको रिसीविंग रेमिटेंसेज

बहुत पहले आज से बीस साल पहले इसराइल था रैंक वन पे फिर इंडिया ने उसे पीछे कर दिया इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट रिसिपियंट ऑफ रेमिटेंसेस फ्रॉम द पर्सन ऑफ मैक्सिकन ओरिजिन फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री देखिए जरूर से ये टॉपिक स्टूडेंट्स इज दिस क्लियर मी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इंडियन आप कर सकते हैं डांस के रूप में अच्छा खासा पैसा रिपेट्रिएट होता है वापस हमारे देश में क्लियर स्टूडेंट मी एंड प्रीलिम्स टॉप थ्री कंट्रीज इतना काफी चलिए आगे बढ़े इंडिया इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इंटरनेशन में जीएस पेपर टू थ्री आइए देखते हैं स्टूडेंट्स जीएस पेपर टू थ्री

सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ह्यूमन राइट अप्रोच में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट डिजिटल राइट की बात शुरू हो गई है यह देखिए स्टूडेंट डिजिटल राइट लुक अ सेट ऑफ डिजिटल राइट प्रिंसिपल्स ऑन वेटनेस इज दट एम टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट सपोर्ट डेमोक्रेसी एंड एनश्योर अ फेयर एंड सेफ ऑनलाइन एनवायरमेंट है लुक तो डिजिटल राइट्स की बात की गई है लिख के रख दिया गया है ह्यूमन राइट्स का पार्ट है डिजिटल राइट डिस सिग्निफाई री अप्रोच ऑफ राइट्स चल स्टूडेंट्स इवोल्यूशनरी अप्रोच ऑफ राइट ये देखिए इंडिया के रेमिटेंसेस कितने हैं ये तो बहुत डिफिकल्ट डेटा देना ठीक है लेकिन रैंक वन पे इंडिया इतना मैं गारंटी दे रहा हूं अच्छा खासा पैसा गल्फ कंट्रीज से आता मैं ये भी बता दू आप रिवॉल्यूशनरी अप्रोच ऑफ राइट्स क्या आप देख रहे हैं यहां पर स्टूडेंट्स जैसे इंडिया में राइट्स को लेकर आर्टिकल ट्वेंटी को लेकर रिवॉल्यूशनरी अप्रोच आया इंडिया स्टार्टेड ऑफ विद आर्टिकल ट्वेंटी जब केसेज आए थे गोलफनाथ केस आया था राइट टू लाइफ मीनस ओनली फिजिकल एग्जिस्टेंस लेकिन जब मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया क्या राइट टू लाइफ का मीनिंग एक्सपेंड किया गया मुझे बता दीजिए स्टूडेंट्स वाज द मीनिंग एक्सपेंडेड ऑफ राइट टू लाइफ लेट मीनो तो बाद में कहा गया इट्स नॉट ओनली फिजिकल एक्सिस्टेंस इट्स ऑल्सो अबाउट मेंस इट्स ऑल्सो अबाउट Uh, this, uh, 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 the of the yes. और अब जाके डिजिटल राइट थी अब देखिएगा इट नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल हमारे संविधान में नहीं कम से कम तो जुडिशरी कम से कम इसको एक, तरी, एक तरीके से इनफॉर्मली कह दे दैट डिजिटल राइट आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट अप्रोच दैट्स इट ये देखिए रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है जैसे आगे प्रगति हो रही है जैसे से आगे कंसेप्ट उसको इनकॉर्पोरेट करते जा रहे हैं लुक एंश्योर दैट प्रोडक्ट सपोर्ट द ब्लॉक सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन ट्रांजिशन गोल्स यूरोपियन यूनियन के बारे में बात हो रही है होने भी चाहिए लोगों के पास लेकिन दे शुड बी एनवायरमेंट फ्रेंडली ठीक है the declaration of digital rights and principles establishes once and for all that what is illegal offline should also be illegal online. and in short, european commission, it has proposed these rights. european commission has proposed these rights for european union, eu. eu is one of the premier bodies uh, which you can say that focuses upon uh, the economic, political and social development of the member countries. that's it. तो चलिए ये राइट टू प्राइवेसी पुत्ता स्वामी केस में उसे वॉल्यूशनरी अप्रोच ही कहा जाएगा राइट टू प्राइवेसी कम अप ठीक है सो दिस नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड ये मेंस में आप अटैच कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स पे कुछ भी आया या डिजिटलाइजेशन पे कुछ भी आया या ई e गवर्नेंस पे कुछ भी आया ई गवर्नेंस डिजिटलाइजेशन या फंडामेंटल राइट यू कैन कोट दिस एग्जाम्पल वी नीड टू इनकॉर्पोरेट डिजिटल राइट्स डिजिटल प्रिंसिपल्स इट्स नीडेड एट प्रेजेंट चलिए आगे बढ़े स्टूडेंट्स से, आज सेंट्रल एशिया समिट होल्ड किया जाने वाला है ठीक है इंडिया सेंट्रल एशिया समिट फाइव प्रेसिडेंट्स फाइव कंट्रीज विद इंडिया कजाकस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान पांच देशों के साथ में इसके डिटेल्स कल आएंगे हम लोग कल देखेंगे इसके डिटेल्स क्या बातचीत हुई है इन कंट्रीज के साथ में लेकिन फोकस ध्यान दीजिएगा फोकस यही दो चीजों पे अफगानिस्तान एक फोकस का एरिया ये देखिए एंड ट्रेड एंड कनेक्टिविटी एक फोकस का एरिया कैसे कनेक्टिविटी बढ़ाया जाए सेंट्रल एशिया से और अफगानिस्तान में कैसे सिचुएशन नॉर्मल किया जाए क्योंकि दोनों इंटर कनेक्टेड टॉपिक्स हैं अफगानिस्तान वाज़ द वे टूवर्ड सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान में अब तालिबान आ गया अब कनेक्टिविटी की परेशानी शुरू हो गई है टूअर्ड सेंट्रल एशिया ठीक है तो ये बस देखिए ट्रेड एंड कनेक्टिविटी द सेम न्यूज ये देखिए तो इट्स गो थ्रू इट कोई खास नहीं इसमें दिया हुआ है कल आएगा इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या इंडिया ने साइन किया लेकिन मैंने तब आज क्यों पढ़ाया ये आई हैव टॉट दिस टॉपिक बिकॉज देर इज समथिंग विच चाइना हैज कम अप विद चाइना जैसे ही इंडिया के बारे में चाइना सुनता है तुरंत ऑफर अपना वैसे ही करता है जैसे दो शॉपकीपर्स हैं आपस में कंपटीशन चल रहा है उसने टेन परसेंट ऑफ दिया देने की बात कर रहा है दो दिन बाद से इसने पहले बारह परसेंट ऑफ दे दिया बगल वाले शॉपकीपर ने यस इट विल बी वर्चुअली हेल्ड अब यह देखे यहां पे जी जिनपिंग दिस द चाइनीज प्रेसिडेंट ऑफरिंग सेंट्रल एशियन नेशन फाइव मिलियन डॉलर यू कैन सीट है

अब ये देखिए इंडिया वर्सेस चाइना इन सेंट्रल एशिया दिक्कत ये है दैट चाइना इज प्लेइंग लाइक इट वांट्स टू काउंटर इंडिया ठीक है ये देखिए भाई आप जाके हेल्प कीजिए कौन मना कर रहा है लेकिन आप कंपटीशन क्यों कर रहे हैं दो दिन पहले हम लोग आपने अनाउंस कर दिया दिस शोज चाइनाज एंटागोनिज्म गोइंग ऑन विद इंडिया ही सेट चाइना यूरोपियन ही हीट चाइना यूरोपियन रेलवे एक्सप्रेस विच रन थ्रू सेंट्रल एशिया हैज सीन रैपिड ग्रोथ स द लॉन्च ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशियटिव बेल्ट एंड रोड इनिशियेटिव बी आर आई चाइना का प्रोजेक्ट उसने इस कदर सेंट्रल एशिया को डेवलप किया है दैट सेंट्रल एशिया इज नाउ कंप्लीटली इन कनेक्टिविटी इट्स अंडर चाइना ये देखिए तो इट कैन बी आस्ट इंडिया वर्सेज चाइना अप्रोच इन सेंट्रल एशिया इंडिया इंडिया के प्रॉस्पेक्ट्स क्या है चैलेंजेस क्या है तो एक सवाल तो यहां बनता है स्टूडेंट्स ये देखिए देखिए 500 मिलियन डॉलर असिस्टेंस 70 बिलियन डॉलर ट्रेड टारगेट विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज चाइना का सो so, एनालाइज uh, या कंट्रास्ट 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 द अप्रोचेस ऑफ इंडिया एंड चाइना एंड सेंट्रल एशिया टेन मार्क्स क्वेश्चन अप्रोचेज ऑफ इंडिया एंड चाइना इन सेंट्रल एशिया ये आ चुका है अफ्रीका को लेकर ठीक है अफ्रीका में क्या कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोचेस है आ चुका है क्वेश्चन चार साल पहले सेंट्रल एशिया को लेकर एक बार देख लीजिएगा इंडिया एंड चाइना इन सेंट्रल एशिया ये देखिए और मैं बोलूंगा आपको दैट आज के दोनों जो ये दिए हुए हैं आर्टिकल्स चाइना का और इंडिया का इन सेंट्रल एशिया पढ़कर तब बनाइएगा इसे ठीक है टेन मार्क्स वन फिफ्टी वर्ड्स ये देखिए इंडिया सेंट्रल एशिया में India, हो या अफ्रीका हो एक कंट्रास्ट एक है India और चाइना चाइना एक्ट्स वेरी फास्ट आई होप यू एग्री विद मी इंडिया अ स्लोअर फैशन इंडिया इनिशिएटिव एक और फर्क है चाइना फोकस अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया इज अ डीलेड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअर एक और फर्क है इंडिया वर्क अब गुडविल डिप्लोमेसी विच चाइना लैक्स कंप्लीटली इंडिया शिक्षा पे और मेडिकल सप्लाईज पे काम करता है चाइना इस पे काम करता ही नहीं फोर्थ पॉइंट चाइनाज इंटेंशन इज नॉट गुड वाइल्ड एड या गिविंग ट्रेडिंग विद द कंट्रीज इंडिया इंटेंशन इज ऑलवेज गुड यही सब लिखिएगा चार पांच डिफरेंसेस ठीक है क्वेश्चन कॉन्ट्रास्ट द अप्रोचेस ऑफ इंडिया एंड चाइना इन सेंट्रल टेन मार्क्स वन फिफ्टी वर्ड ठीक है नेक्स्ट जीएस पेपर थ्री इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट ये देखिए इंडिया प्रोब्स देखिए चाइना का नाम आया और चाइना के नाम से ही डंपिंग शुरू हो गया इंडिया प्रोब्स चाइना एंड वियतनाम डंपिंग ऑफ डिनाइल टाइल्स ये देखिए इंडिया इनिशिएटेड एंड एंटी डंपिंग प्रोब ये देखिए ऑफ एंटी डंपिंग प्रोब अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ टाइल्स ये देखिए टाइल्स देख रहे हैं आप यूज फॉर कवरिंग द फ्लोर्स इन रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स फ्रॉम चाइना ताइवान एंड वियतनाम आफ्टर अ कंप्लेन्ट के फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज ये देखिए एंड द कॉमर्स मिनिस्ट्रीज इन्वेस्टिगेशन आर्म डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज डी जी टी आर हैड ऑफ दिस ऑफिस यह ऑफिस इतनी बार न्यूज में अभी आ रहा है डंपिंग को लेकर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज दिस इज द ऑफिस एपेक्स अथॉरिटी एपेक्स अथॉरिटी विच लुक्स इन टू दिस डंपिंग डंपिंग एलिजेशन अगेंस्ट दीज ये देखिए अब आप कहिएगा सर डंपिंग होता गया डॉपिंग इज ऑल अबाउट पुटिंग द प्रोडक्ट एट अ वेरी चीपर रेट इन द नेबरिंग फेमस फॉर डंपिंग का डेफिनेशन चाइना से पूछने का बहुत आसानी से उसे पता है कैसे दूसरे देश का मीन्स इंटेंशन खराब कैसे दूसरे देश का इकोनॉमी खराब करना है सो so, दिस uh, uh, जब ये एलिजेशन कंपनीज करती है डोमेस्टिक कंपनीज इंडिया कंपनीज जाकर उन्होंने केस फाइल किया है डीजीटीआर ऑफिस में दैट चाइना डंप कर रहा है वियतनाम डंप कर रहा है ताइवान डंप कर रहा है हाउ डू दे कोट दिस की दे आर डंपिंग बिकॉज द प्राइसेज जो अवेलेबल है मार्केट में उसके हिसाब से ही ये बोलते हैं दैट डंपिंग चल रहा है इतना चीप नहीं आ सकता ये प्रोडक्ट ये देखिए

ट्रेड में फ्रॉड यू कैन कोट दिस चाइना का एग्जाम्पल चाइना से ज्यादा सटीक एग्जाम्पल इसका कोई नहीं है ठीक है तो इंडिया चाइना रिलेशन चैलेंजेस में आप कोट कर दीजिए ये इट स्टूडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं डंपिंग पुटिंग ऑफ द गुड्स एट वेरी लोअर चीप प्राइसेज इन द नेबरिंग कंट्रीज टू डिस्ट्रॉय एम यही है चाइना का डिस्ट्रॉय द डोमेस्टिक सेक्टर दैट्स इट तो ये द सेम थिंग देखिए ये विनाइल टाइल्स देखिए यहां पे लिखा हुआ है ठीक है नेक्स्ट यूक्रेन में क्राइसिस चल रहा है कहीं भी कोई क्राइसिस चले तेल का दाम बढ़ेगा तो so फर्स्ट 2014 ऑयल ब्रेक्स द 90 डॉलर पर बैरल प्राइस टारगेट ये देखिए वन बैरल इज इक्वल टू वन फिफ्टी लीटर्स ऑफ क्रूड वन फिफ्टी लीटर्स एक बैरल में आते हैं वन बैरल इज यूनिट ऑफ मेजरिंग मेजरिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट है दिस फॉर क्रूड ऑयल और इसमें ब्रेंट क्रूड का प्राइस नब्बे दशमलव तीन डॉलर हो गया था यस थिंग ऑयल इज राइजिंग लाइक एनी थिंग ऑन द ऑन यूक्रेन क्राइसिस ये देखिए तो क्या टेलमी स्टूडेंट्स ग्लोबल ऑयल प्राइसेस डिपेंड करते हैं बहुत हद तक जियो पोलिटिकल टेंशन पे यस yes. क्या इस बार ये ऑयल पॉलिटिक्स में क्वेश्चन आया हुआ है जीएस पेपर वन जोग्राफी में यस सो ऑयल ज डिपेंड अपॉन जियो पोलिटिकल टेंशन अक्रॉस द वर्ल्ड ये देखिए जियो पोलिटिकल टेंशन अक्रॉस वर्ल्ड एक बड़ा फैक्टर है जब जब कोई लड़ाई करता है जैसे हाउदीज ने ड्रोन अटैक किया यू पे उधर दाम बढ़ गया ठीक है उधर यूक्रेन में अटैक चल रहा है यूक्रेन में प्रॉब्लम चल रहा है दाम बढ़ गया उधर तेल का उधर कुछ मुद्दा होगा इराक ईरान में दाम बढ़ जाएगा तेल का इट्स ऑयल इज लाइक तुम कुछ भी करो मेरा प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है यहां

इंपोर्ट के ऊपर यह देखिए ऑयल इंपोर्ट सेकेंड विल इट ड्रेन द फॉरक्स ऑफ इंडिया फॉरक्स देखिए फॉरन करेंसी रिजर्व फॉरक्स रिजर्व ड्रेन ऑल्सो इंपैक्ट दी डी पी इंपैक्ट द जी डीपी देखिए विल दिस ऑल्सो इंपैक्ट द जी डीपी कलमी स्टूडेंट्स तो बस इस चीज को याद रखिएगा 85 परसेंट एटी परसेंट ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स इंडिया इज डिपेंडेंट फॉर ऑयल ऑन 85 परसेंट ऑफ इट्स इंपोर्ट्स फॉरेक्स रिजर्व्स रिजर्व ड्रेनिंग एंड एंड थर्ड इंपैक्ट इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री दैट्स इट ठीक है इज इट बफरिंग और वॉट इज इट क्लियर नाउट मी स्टूडेंट्स यह दिक्कत हो रही है बताइए तो डेट्स इट ये देखिए ओपेक प्लस मीटिंग भी करने वाला फरवरी दो कह रहा है कि बस भाई अब हम लोग भी कुछ मीटिंग कर लिया जाए ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ये देखिए तो कोटेड स्टूडेंट्स ये ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जियो पोलिटिकल टेंशन आर कॉज ऑफ ऑयल प्राइस राइज अक्रॉस द वर्ल्ड नेक्स्ट कैन इंडिया टेक ऑन ग्लोबल टेक जॉइंट ओन ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑन 25 जनवरी राजीव चंद्रशेखर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई ये देखिए सेट द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ एन इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम टू राइवल कंपनी सच एज एप्पल एंड गूगल तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखिए यहाँ पे इस ऑपरेटिंग uh, सिस्टम्स में uh, कौन कौन से हैं और मार्केट शेयर क्या है ये देखिए विंडोज uh, का मार्केट शेयर 73% परसेंट है ठीक है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस एप्पल का 15.33% परसेंट है क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल 2.1% लिनक्स एंड अदर्स देखिए विंडोज हैज बिगर मार्केट शेयर इन ऑपरेटिंग सिस्टम एज ऑल ऑफ नो ये देखिए no, तो इंडिया अब कह रहा है कि खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनेगा ठीक है और इंडिया में मोबाइल का ध्यान दीजिएगा मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम 95.24 परसेंटेज यूसेज ये देखिए तो यू कैन सीट हेयर वाई एन इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम हाउ कैन एन ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प द गवर्नमेंट एंड इज देयर एनी इंडिजनसी डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम टिल नाउ इन इंडिया नॉट एट ऑल इंडिया पहली बार अगर ये डेवलपमेंट हो गए इंडिया का पहली बार अपनी तरफ से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप होगा अभी तक जो वर्ल्ड के वर्ल्ड मार्केट में स्मार्ट स्मार्टफोन मार्केट में अगर आप कहिएगा तो एंड्रॉय एंड एंड्रॉयड एप्पल का आईओएस दिस इज अकाउंटिंग फॉर 99% नाइन परसेंट ऑफ 99% नाइन परसेंट ऑफ वर्ल्ड स्मार्टफोन मार्केट ये देखिए सो दिस अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हो गया तो कल को टेक का हब बन सकता है इंडिया यस yes, क्या इसका इंप्लीकेशन स्टार्टअस पे पड़ेगा अगर टेक्नोलॉजी का हब बनेगा इंडिया विल इट लीड टू अ स्टार्टअप रेवोल्यूशन इन द कंट्री यस दिस इज द रीजन वाई द गवर्नमेंट इज थिंकिंग सीरियसली ओवर इट ये देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रोमोट करने के लिए इन द फील्ड इट विल बी इट विल बी अ चेन इफेक्ट चेन इफेक्ट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का डेवलप करेगा चेन इफेक्ट आ जाएगा इस सेक्टर में यही सरकार कह रही है सो दिस इज प्रलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट यहां से इंफॉर्मेशन कौन कौन से डेस्कटॉप ग्लोबल ऑपरेटिंग सिस्टम में मार्केट शेयर किसका है विंडोज हैज अ थ्री फोर्थ मार्केट शेयर ऑलमोस्ट एंड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इट्स एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैज अ मैक्सिमम शेयर ये देखिए बस इतना याद रखिएगा एंड uh, ये देखिए अगला न्यूज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चर बिग प्रोस्पेक्ट अहेड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन डॉक्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पेस जितेंद्र सिंह दैट इसरो न्यू इंडिजिनस न्यू लॉन्च रॉकेट कॉल्ड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च रॉकेट विद है डेवलपमेंट फ्लाइट सोन स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये देखिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वॉट इज दिस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कैन कैरी सैटेलाइट वेइंग अप टू फाइव हंड्रेड के जी टू अर्थ ऑर्बिट यू कैन सीट है लो अर्थिट तो दिस इंडिया के पास पीएसएलवी और जीएसएलवी क्या यही पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च वेहीकल क्या यही है और इसके वर्जनस है yes, यस इनके डिफरेंट वर्जन है ये देखिए तो ये दोनों सेट ऑफ लॉन्च व्हीकल्स दे कैरी मल्टीपल सेटेलाइट इन टू हायर अर्थ ऑर्बिट्स अब इसरो कह रहा है जो छोटी मोटी सेटेलाइट हैं जिनको बहुत नजदीक जाना है 300 से 900 किलोमीटर के रेंज में जाना है फ्रॉम द अर्थ सर्फेस वी कैन पुट इट वाया यूज ऑफ स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल एस एस एल वी ये देखिए सो द स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल देखिए ज ए स्मॉलेस्ट व्हीकल एट वन वन जीरो टन मास सौ दस टन का इट विल टेक ओनली टू आवर्स टू इंटीग्रेट बहत्तर घंटे में बन जाएगा ठीक है अनलाइक द सेवेंटी डेज टेक इन नाउ फॉर अ लॉन्च व्हीकल ओनली सिक्स पीपल विल बी द जॉब इंस्टेड ऑफ एंटायर जॉब विल बी डन इन वेरी शॉर्ट टाइम एंड बी ओनली अराउंड थर्टी करोड़ रुपीज ये देखिए तीस करोड़ का यह लॉन्च वहीकल प्रिपेयर कर दिया जाएगा लॉन्चेस करने के लिए फ्लेक्सीबिलिटी लाने के लिए दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इसरो देखिए द स्मॉल लो अर्थ ऑर्बिट विच एज इमर्ज इन रिसेंट इस एज अ न्यू एरिया फॉर लॉन्चेस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज प्राइवेट कंपनीज एंड यूनिवर्सिटीज ये देखिए अपने कम्युनिकेशन पर्पज के लिए अपने रिमोट सेंसिंग के लिए थ ऑ ऑर्बिट है न्यू हब फॉर सेटेलाइट लॉन्चिस सो फ्लेक्सीबिलिटी स्पेस रिसर्च में वॉल्यूशन डेवलपमेंट यू कैन कोट दिस एग्जाम्पल प्रस में यहां से कुछ आएगा नहीं स्पेस साइंसिस में स्पेस टेक्नोलॉजी में रिफॉर्म्स में यह सब आ जाएगा मेन्स में मेन्स यू कैन अटैच दिस न्यूज ये देखिए क्रायोजेनिक इंजन इसमें क्यों होगा क्रायोजेनिक इंजन बहुत थ्रस देता है वो हाईएस्ट लॉन्चेस के लिए होता है इसमें नहीं होगा इसमें नॉर्मल uh, जो इंजिन हैं वो लगाए जाएंगे विद वेरी लेस फ्यूल विल बी यूज आउट हियर सो व्हाट आर द फ्यूचर दिस फ्यूचर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा देखिए यहां पे डेवलपमेंट एंड मैनुफेक्चर ऑफ द एस एस एल इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट ग्रेटर सिनर्जी बिटवीन द स्पेस सेक्टर एंड प्राइवेट कंपनीज ऑफ इंडिया विच इज अ मेजर एम ऑफ द स्पेस मिनिस्ट्री देखिए सिनर्जी विद द प्राइवेट कंपनी सिनर्जी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट ये देखिए एंड इंडियन इंडस्ट्री के साथ स्टेब्लिश हो गया तो जब भी कंपनीज़ को लॉन्च करना होगा कुछ अपना सेटेलाइट इट कैन एमर्ज दिस एरिया कैन एमर्ज एज ए बिग कॉमर्शियल वेंचर फॉर इसरो पैसा कमाने का एक बड़ा सोर्स इसरो के लिए ध्यान दीजिए एंड वन ऑफ द एम्स ऑफ द न्यूली क्रिएटेड कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो एक नया ब्रांच भी क्रिएट किया इसरो ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एन एस आई एल सुना है आपने टर्मी एन एस आई एल इसका एम क्या है रिसर्च एंड डेवलपमेंट आउट बाय द स्पेस एजेंसी ओवर द इयर्स फॉर कमर्शियल कमर्शियल पर्पस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना जितना रिसर्च इसरो कर रहा है मैं बता दूं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये देखिए मीन कोलेबोरेशन यस एग्जैक्टली सो इज इट क्लियर स्टूडेंट्स क्या फायदा होने वाला इंडस्ट्री इसरो इंटरफेस अच्छे से अटैच होगा कोलेबोरेशन होंगे एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर द कंट्री एज अ होल ठीक है चलिए आगे बढ़ जाए ये दिस टॉपिक मीन्स हाउ इज एस एस एल वी कई होमवर्क स्टूडेंट्स हाउ इज एस एस एल वी गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर हेल्पफुल ये देखिए हेल्पफुल ठीक है या इसका रोल क्या रहेगा फॉर इसरो दिस कंपनीज ये लिखिएगा अलग से दो दो पॉइंट कंपनीज यूनिवर्सिटीज एंड फॉर इंडिया एज अ होल इंडिया ठीक है ये देखिए सब में दो दो पॉइंट लिखिएगा क्या क्या फायदे होंगे ठीक है चलिए सिन्हाजी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशंस ठीक है कोलैबोरेशंस आगे चलकर किससे किससे इस इस टॉपिक पे किससे किससे कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन हो सकता है दैट सामान्य से स्टेब्लिश हो सकता है किसके साथ में ठीक है यस yes, यस yes, अंतरिक्ष इसके पहले मैं बता दूं एनएसआईएल uh, के पहले दिस अंतरिक्ष वाज आल्सो देयर अंतरिक्ष कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये पहले से एक कॉमर्शियल आर्म है और अब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड दो दो ब्रांचेस ओपन हो गए हैं कॉमर्शियल आर्म के रूप में ठीक है पैसा कमाने के लिए इसरो के लिए चलिए आगे बढ़े अगला टॉपिक लास्ट टॉपिक आज का स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स डाइंग एन मास इन आंध्र प्रदेश स्पॉट बिल्ड ये देखिए नेमाटोड वर्म मास मोर्टेलिटी इन द बर्ड्स इन नौपाड़ा स्वैम्प ऑफ डिजास्टर इन आंध्र प्रदेश मोर्टेलिटी ऑफ स्पॉट बिल्ड पैलिकन देखिए श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश तो स्पॉट बिल्ड पैलिकन क्या होते हैं यह देखिए यहां पे A spot billed pelican or a gray pelican is a member of the pelican family. You can see it here. It breeds in southern Asia from Iran to India to Indonesia. Dekhi, have a look. And uh, it's a uh, conservation status is near threatened. Lakin ye decrease its numbers hai. numbers decrease current. Now that is a matter of concern. Is it clear, students? Tell me. <laughs> तो पेलिकन का मतलब क्या होता है आपको होगा पेलिकन का मतलब क्या होता है मतलब जिसका बहुत बड़ा यह चोच रहा है वॉटर है? बीक, बीक पेलिकन ये देखिए दे हंट इन द वॉटर फॉर द फिश दे होल्ड एंड कैच द फिश विदेल्प ऑफ दीज लॉन्ग बीक्स आप देख रहे हैं नियर so, थ्रेटेंड इसीलिए पेलिकन पेलीकन्स का यही एक फीचर है लॉन्ग बीक एंड नियर थ्रेटेंड आयु सी एन स्टेटस और यह कहां का न्यूज है श्रीकाकुल वही जगह स्टूडेंट बे ऑफ बंगाल के समुद्री तट पर आज हम लोग पढ़ेंगे इसको ड्रेनेज में एट टू थर्टी टू थर्टी वी आर गोइंग टू सी दिस टॉपिक इन ड्रेनेज ठीक है ईस्टर्न कोस्टल रिवर्स क्योंकि यहां से सवाल लास्ट ईयर आया हुआ है वंशाधारा एंड नागवली रिवर्स डिड दिस क्वेश्चन कम अपन टू थाउजेंड ट्वेंटी देखिए नागवल्ली नदी देखिए यहां पे श्रीकाकुलम जस्ट उसी पे लोकेटेड ये देखिए और वंशाधारा यहां देखिए नॉर्थ में दिस इज श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट ये देखिए आंध्र प्रदेश यू कैन सीट हिल जस्ट कमिंग फ्रॉम ओडिशा ये देखिए ईस्टर्न घाट ओडिशा का भी यहां पे देखिए इस जगह पे कोरापुट डिस्ट्रिक्ट और यहां से देखिए नागवली कमिंग आउट फ्रॉम दिस रीजन यू कैन सी इट हियर ये देखिए एंड वंशाधारा कमिंग आउट फ्रॉम दिस रीजन सो so, दिस uh, श्रीकाकुलम मार्क कर लीजिए नौ पाड़ा वेटलैंड मार्क कर लीजिए ये देखिए दिस इज आउट हियर स्वयं है इस बेल्ट में सो दैट्स इट स्टूडेंट्स इस पेलिकन्स और uh, नागवल्ली एंड वंशाधारा एंड श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट इतना प्रेलम्स के लिए इंपॉर्टेंट प्रेलम्स के लिए लोकेशन याद रखिए कोस्टल एरियाज के सवाल निकल सकते हैं सो दैट वॉज द लास्ट न्यूज फॉर टूडे देखिए इन्वायरमेंट का न्यूज स्पॉट पेलिकन्स डाइंग इन मासेस इन आंध्र प्रदेश सेकेंड यूज स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च वहीकल बिग प्रोस्पेक्ट क्या फायदे हैं इसके फायदे के लिए मैंने ये बनाया आपको एक फ्लो चार्ट इसको आप कोशिश कीजिएगा इसको फिलअप करने का थर्ड इंडियन ऑपरेटिंग इंडिया डेवलप कर रहा अपना इंडिजनस ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टअप रेवोल्यूशन लाने के लिए ठीक है नेक्स्ट स्टूडेंट वी वो सी नाइनटी डॉलर पर बैरल हिट कर गया है ऑयल दो हजार चौदह के बाद पहली बार इतना इम्पैक्ट इम्पैक्ट कहां पड़ेगा इंडिया पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा इसका क्योंकि इंडिया इज अ नेट इंपोर्टिंग कंट्री ऑफ क्रूड ऑयल ये देखिए एंड uh, इसके पहले इंडिया प्रोब्स चाइना एंड वियतनाम ओवर डंपिंग ऑफ विनाइल विनाइल टाइल्स टाइल्स ये देखिए कमिंग फ्रॉम वियतनाम चाइना एंड ताइवान डंपिंग कौन देखता है डीजीटीआर का ऑफिस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज 2018 दिस ऑफिस वाज फॉर्मड ये देखिए नेक्स्ट जी जिनपिंग पिंग वर्सेज इंडिया इन मीन जी जिनपिंग चाइना वर्सेज इंडिया इन सेंट्रल एशिया कॉन्ट्रास्ट द अप्रोचेज ऑफ इंडिया एंड चाइना इन सेंट्रल एशिया कुछ इंडिया की कमियां हैं कुछ इंडिया के प्लस पॉइंट्स हैं कोशिश कीजिएगा लिखने के लिए ये क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट वी वेट ऑन टू सी ऑल्सो दिस मैक्सिकोज रेमिटेंसेज तीसरे नंबर पर आफ्टर इंडिया एंड चाइना रेमिटेंसेज सेंड बाई द इंडियन डाइसोर लिविंग अब्रॉड टू इंडिया एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये देखिए डिजिटल राइट्स की बात चल रही है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स अप्रोच एवोल्यूशन डिजिटल राइट्स आर कमिंग अप यूरोपियन कमीशन प्रपोजेज फॉर द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज यू कैन सीट हि नेक्स्ट उसके पहले ही देखिए भारत रत्न एंड पदमा अवार्ड्स के बारे में डिटेल्स और इसके अलावा रैम्प एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग इीगल माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू वेस्टर्न कंट्रीज कैन बी अग प्रॉब्लम फॉर द इंडियन डायस्पोरा ऑल्सो फॉर इंडियाज रिलेशन विथ अदर कंट्रीज तो बस ठीक है इतना काफी है, सारे न्यूज पेपर कवर हो जाते हैं इसमें ओके चार न्यूज पेपर में कवर करता हूं मैं बता दूं पहले से विद इन बिटवीन कम्स टाइम्स ऑफ इंडिया का भी न्यूज आ जाता है द हिंदू द एक्सप्रेस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एंड लाइव मिनट वी कवर इट एवरी डे ओके सो इन थर्टी मिनट अप्रॉक्स विद मीटिंग फॉर द एडिटोरियल डिस्कशन अपॉन अन अकेडमी आर्टिकुलेट चैनल ठीक है तब तक आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल अन एकेडमी अंडर स्कोर अनुराग सिंह जुड़ जाइएगा इस सेशन के फ्री पी के लिए और आज दोपहर में आज दो सेशन में बता दूँ अभी एक सेशन है अनएकेडमी आर्टिकुलेट यूट्यूब चैनल है ठीक है अनएकेडमी आर्टिकुलेट आधे घंटे में हम सेशन शुरू करेंगे एडिटोरियल डिस्कशन आज के न्यूज़पेपर्स का एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स और उसके बाद टू थर्टी पे अनएकेडमी ऐप पर ड्रेनेज और फिर शाम को साढ़े सात बजे एक और सेशन दैट्स इट स्टूडेंट्स नमस्कार जय हिंद मिलते हैं आधे घंटे में ऑन अन अकेडमी आर्टिकुलेट यूट्यूब चैनल फॉर एडिटोरियल एंड आर्टिकल डिस्कशन टेक केयर